गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और ये हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। पहले सबसे पहले ब्रेकफास्ट होगा उम्मेहानी का, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमको क्या खाना है, क्या बनेगा। वैसे आज ब्रेकफास्ट में बनने वाला है शायद मेंदू वड़ा, शायद आज ब्रेकफास्ट में होगा मेंदू वड़ा। तो देखते हैं क्या हुआ। जी बेटा, अब ये उम्मेहानी है, ये कितनी देर तक अपने दूध के साथ खेलती रहेगी। एंड इसको चाहिए कि ये स्पून से ही पिए, ये मम्मा के हाथ से पीती ही नहीं है। उम्मेहानी, मम्मा पिला दूँ आपको? मम्मा हाथ पियोगी? नहीं, मैं स्पून से पियूंगी। आप स्पून से पियोगी? ओके। और आपने सलाम नहीं करी आज? अस्सलामुअलैकुम। पूछो कैसे हैं आप सब? आप सब कैसे हैं? यहाँ देखो, कैमरा में देखो। पूछो कैसे हैं आप सब? आप सब कैसे हैं? सो फ्रेंड्स, नाश्ता भी हो गया, लेकिन मैंने जैसे कहा था मेंदू वड़े तो नहीं बने नाश्ते में। आज बहुत हल्का फुल्का सा नाश्ता हो गया, क्योंकि कल जैसे आपको याद होगा मैंने बताया था मेरा कुछ बैंक का अकाउंट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो करने में फिर पूरा टाइम चला गया। लेकिन थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्र है, वो हो गया है और अब बनने की तैयारी हो रही है बैचलर्स बिरयानी। तो यस, स्टे ट्यून एंड जस्ट देखिए, मैं अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बैचलर्स बिरयानी की रेसिपी। यहाँ पर मेरी प्याज कट रही है और अब ये प्याज होने के बाद मैं आपको बताती हूँ इसकी रेसिपी। ये तेल गरम पे रख दिया था मैंने फ्रेंड्स, और ये तेल गरम हो गया है। अब मैं इस गरम तेल में जो मैंने अनियंस कट करी थी, ये मैंने अनियंस कट करी है चार बड़ी प्याजें मैंने कट करी है, और मैं ये आहिस्ते आहिस्ते अब ये तेल में डाल दूंगी और मैं अब इसको फ्राई कर दूंगी। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये बैचलर्स बिरयानी इसलिए है क्योंकि अभी जो भी बैचलर्स लोग होते हैं, अकेले रहते हैं, उन्हें जो नहीं समझ में आती बिरयानी बनाना बहुत टफ लगता है, तो मैं आज एकदम इजी तरीके से बिरयानी बनाने वाली हूँ, जिससे वो बच्चे भी जो अकेले रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पीजी रहते हैं, वो भी आराम से ये बिरयानी बना सके। देखिए फ्रेंड्स, ये प्याज अब आप देख सकते हैं ये प्याज कैसी फ्राई हुई है, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर की। यही स्टेज है, ये प्याज हो गई। अब हमें इसे और ओवर कुक नहीं करना है। अगर आप ओवर कुक कर देंगे तो आपकी बिरयानी में जो है वो जलने की स्मेल आने लगेगी, ज़्यादा डार्क ब्राउन। तो अब इस स्टेज में ना मैं फ्रेंड्स डाल रही हूँ आलू। आलू क्योंकि बिरयानी में हमारे घर में थोड़े ज़्यादा आलू खाए जाते हैं, और क्योंकि उम्मेहानी है तो वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा पाती है, तो मैं उसे आलू और चावल ही खिला देती हूँ बिरयानी के। और इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। पानी मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये जो प्याज है वो अब और ओवर कुक ना हो, और इस पानी में आलू और प्याज पके। अब फ्रेंड्स, मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल पाउडर ये, और मैं 1 चम्मच और 1/2 चम्मच डालूंगी हल्दी पाउडर। ये नॉर्मल स्पाइसेस है जो हर खाने में डलते हैं, बिरयानी में भी यही डलते हैं, और इसी से बिरयानी का जो टेस्ट है वो आता है। मैं कोई आर्टिफिशियल बाहर का कोई मसाला यूज़ नहीं करती बिरयानी में, कुछ नहीं। अब यही जो मसाले हैं, और इसमें मैं थोड़ा नमक थोड़ा एंड में डालूंगी, थोड़ा बाद में डालूंगी, उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी क्यों मैं नमक बाद में डालूंगी। देखिए, ये जो है मेरा ये मसाला जो है ये भून रहा है आलूओं के साथ, और इसके साथ साथ ही यहाँ पर मैंने पानी बॉईल करने रख दिया है। ये वो पानी मैं जिसमें अपने चावल बॉईल करूंगी, तो इस पानी में मैंने डाला है नमक, मैंने अपने स्वाद अनुसार नमक डाला है। मेरे पास 1/2 किलो चावल है, तो मैंने 3 टीस्पून जो मेरा है नमक का स्पून, वो मैंने 3 डाला है। वो आप अपने हिसाब से नमक की कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। और अब मैं इसमें अपने हिसाब से एरोमेटिक्स डाल रही हूँ। मैं डाल रही हूँ यहाँ पे बेलीफ, तेज़पत्ता, मैं यहाँ पर डाल रही हूँ क्यूमिन सीड, ज़ीरा, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 4-5 क्लोव्स। बस ये इसमें मैं बॉईल आने दूंगी, और फिर इसके बाद मैं अपने ये जो मैंने चावल सोक करके रखे हैं, ये राइस जो मैंने सोक करके रखी है, 1/2 घंटा हो गया इसे ये सोक करके, अब मैं ये इसमें डालकर इसे पार बॉईल कर लूंगी। पूरा कंप्लीट बॉईल नहीं करना है, इसे पार बॉईल करना है। तो जब तक ये मैं पर मेरा मसाला होगा, मैं वहाँ पर अपने चावल भी बॉईल कर लूंगी।
देख सकते हैं ये मेरा मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भून गया है। आप देख सकते हैं ऊपर तेल आ गया है, तो इसका मतलब मेरा मसाला बहुत अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ गोश्त, मटन जो मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। ये मेरे पास पहले से मैंने ये मटन को बॉईल करके रखा हुआ था। अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट। हाँ, क्योंकि ये जो मैंने जब मैं मटन बॉईल कर रही थी तो उस टाइम पर मैंने अच्छा खासा जिंजर गार्लिक का पेस्ट और नमक डालकर मैंने मटन को बॉईल किया था। और अब दूसरी बात जो मैंने आपको बताया था कि मैं नमक नहीं डाल रही हूँ, मैं नमक इसलिए नहीं डाल रही थी क्योंकि जब मैं गोश्त बॉईल कर रही थी ना तब उस टाइम पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डाला था, तो अब मुझे नमक उसमें भी है। अब मैं थोड़ा सा नमक टेस्ट करूंगी उसके बाद मैं नमक डालूंगी। अगर पहले मैं नमक डाल देती तो शायद हो सकता है नमक कम ज़्यादा हो जाता। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ दही। मेरे पास ये दही है, 250 ग्राम्स दही है मेरे पास, और 200 ग्राम्स है, नॉट 250, मेरे पास 200 ग्राम्स दही है। ये 200 ग्राम्स मैं दही डाल रही हूँ इसमें, और अब मैं इसे अच्छे से थोड़ा सा और पकने दूंगी ताकि मेरे जो पटेटोज है ना वो थोड़े हो गए हैं, थोड़े और हो जाए। ये मेरे पटेटोज हो जाएंगे, मैं थोड़ा सा ढककर इसे और पका लेती हूँ। इसमें ना एक टमेटो काट के डाल रही हूँ, और मैं एकदम एंड स्टेज पे इसलिए ये टमेटो डाल रही हूँ ताकि ये टमेटो पूरी तरह से मैश नहीं हो। और ये थोड़ा, ये आप पहले अर्ली में डाल सकते हैं, अगर आप नहीं भी डालना चाहें तो नहीं डालें क्योंकि हमने ऑलरेडी दही डाल चुका है। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरा भाई और मेरी बेटी ये टमेटोज के पीसेस जो है ना वो लोग पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं अक्सर जब बिरयानी बनाती हूँ तो जब मसाला पूरा हो जाता है, पटेटोज गल जाते हैं, उसके बाद मैं एक टमाटर जो है काट के उन लोगों के लिए डाल देती हूँ ताकि वो थोड़े पीसेस उनको अच्छे मिले। ये मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच पिसा हुआ गर्म मसाला। मोस्टली मैंने देखा है कि लोग अखा गरम मसाला डालते हैं, मैं नहीं डालती, मैं पिसा हुआ गरम मसाला डालती हूँ। फ्रेंड्स, ये है मेरे बिरयानी का मसाला जो बनकर ऐसा दिख रहा है, और ये है चावल जो पार बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इसको इसके ऊपर डालने वाली हूँ आहिस्ते आहिस्ते से। एंड फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अखा मसाला गरम मसाला नहीं डाला था, तो ये जो अखा गरम मसाला है वो ऑलरेडी इसके अंदर है, तो हम इसको रहने देंगे। अब ये जो है ये मेरे चावल, ये पार बॉईल चावल हैं। अब इसके ऊपर मैं डालने वाली हूँ, ये मेरे पास है सैफरिन मिल्क, मतलब मैंने 2-3 स्ट्रैंड ऑफ सैफरिन के मिल्क में डाल के रखे थे। अब मैं इसको अच्छे से सेट कर इस पे डाल दूंगी। मैं गया मेरा सैफरिन मिल्क, इससे क्या होगा ना बहुत अच्छा कलर आएगा आपकी जब बिरयानी आप खोलेंगे ना, अभी आप जब इसको बंद करेंगे दम पे रखेंगे और जब आप बिरयानी खोलेंगे तो वो सैफरिन जो है वो अपना इतना अच्छा कलर, येलोइश कलर जो है बिरयानी को देगा। मैं आर्टिफिशियल कलर्स थोड़े अवॉइड करती हूँ क्योंकि पता है बच्ची है, बच्ची भी खाती है, एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ फ्रेंड्स थोड़ा सा असली घी, मैं इसमें थोड़ा सा असली घी डालने वाली हूँ साइड साइड में, और थोड़ा सा ये बिरयानी का लुक है पकने से पहले। अब मैं इस पे ढकने वाली हूँ इसका ढक्कन, और ये है मेरा दम तवा जिसको मैंने ऑलरेडी फ्लेम ऑन कर चुकी हूँ, और ये इसके ऊपर मैं ये देगची रख दूंगी। एंड इसको मैं हाई, मीडियम टू हाई फ्लेम पर, मीडियम हाई फ्लेम पर मैं 10 मिनट पकाऊंगी, उसके बाद मैं एकदम स्लो करके उसको 15-20 मिनट पकाने वाली हूँ। सो लेट्स सी दम होने के बाद बिरयानी कैसी दिखती है। डियर फ्रेंड्स, मैंने देगची को तवे पर, और साथ साथ में यहाँ पर मेरे कचुम्बर भी रेडी हो रहा है। कचुम्बर के बिना बिरयानी का कोई टेस्ट ही नहीं है। ये है प्याज और टमाटर, इसमें मैं डालने वाली हूँ अभी थोड़ा सा नमक और दही, और अगर घर में कोथमीर हुआ तो थोड़ा सा कोथमीर। फ्रेंड्स, मेरी बिरयानी जो मैं अब कर रही हूँ प्लेटिंग, ये मैंने नीचे निकाला है मसाला, और ये है ऊपर से बिरयानी के वाइट चावल। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। प्लीज़ आप लोग सब ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी ये रेसिपी। नाउ फ्रेंड्स, इट्स जूस टाइम। शाम को ये उम्मे हानी के लिए जूस निकल रहा है मौसम्बी का। उम्मे हानी, आपको पसंद है मौसम्बी का जूस? आप पीती हो? हाँ। ये
ये बड़ी कन्वीनियंट सी मशीन है फ्रेंड्स, इसमें आराम से जूस निकल जाता है। आप बैठ के आराम से जूस निकाल सकते हैं, मौसमी, अनार, ऑरेंजेस, वाटरमेलन, सारा जूसेस इसमें बहुत अच्छे से निकल जाता है। आप देख रहे होंगे ये एक मौसमी का माशाल्लाह कितना अच्छा जूस निकल रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग जल्द से जल्द इसे ट्राई भी करेंगे। आज सुबह से आपके सामने नहीं आई, आपसे बात नहीं हुई, बस रेसिपी में लगी थी, सुबह से काम हो रहा था। आज आपने देखा बिरयानी बनी और सबने खाए, बहुत टेस्टी बनी है, ट्राई ज़रूर करना। फिर उसके बाद शाम को उम्मे हनी को थोड़ा सा आज पढ़ाया, वो पढ़ने नहीं बैठती है। असल में इस सोची थी कि इस साल उसे स्कूल भेजूंगी, लेकिन अभी गवर्नमेंट का न्यू रूल आया है कि अब बच्चे जो वो अभी 2.5 साल की है और 2.75 साल की, तो मैंने सोची थी अभी उसको 2.5 साल में नर्सरी में, 3 साल में बिठा दूंगी, लेकिन अब गवर्नमेंट का रूल आया है कि बच्चा 4 साल में होगा वही नर्सरी में जाएगा। तो थोड़ा बहुत उसकी स्टडीज़ ले लेती हूँ मैं घर में खुद ही। फिर उसके बाद आपने देखा जूस बना, जूस पिया और अब आपके सामने हूँ। फिर से थोड़ा सा बाजार जाना है, मार्केट जाना है। आपसे मैंने कल कहा था कि वो जो मैं ढूंढ रही हूँ ना, वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही है। तो आज मैंने सोचा थोड़ी बहुत घर की भी चीज़ें खरीदनी थी, तो आज सुपरमार्केट जाने का सोच रही हूँ, जहाँ पर जैसे घर की भी थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ और अगर जो मैं ढूंढ रही हूँ वो भी मिल जाए। तो आज फिर से अभी थोड़ा मार्केट जाने का सोच रही हूँ। अभी थोड़ा सा घर में काम है, वो उम्मे हनी को पढ़ाया ना, उसने पूरी बुक्स वगैरह सब फैला के रखी हुई है, तो वो सारा थोड़ा करके फिर मैं निकलती हूँ बाजार के लिए और आपसे फिर मिलती हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो निकल गए हैं हम सुपरमार्केट के लिए। सुपरमार्केट थोड़ा सा घर से दूर है, इसीलिए रिक्शा से जा रहे हैं, क्योंकि आप मम्मी भी हैं, मैं आपको अपनी मम्मी से मिलाती हूँ। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते होंगे आगे भी पूरी गाड़ियाँ खड़ी हैं लाइन से। बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक है ये। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम था ये एक बहुत बड़ा क्रेन टाइप ये कचरे की गाड़ी है जो बीच में खड़ी हुई है और ये यहाँ पर ख़राब हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो कितनी बड़ी, ओ माय गॉड, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है क्या? नहीं नहीं, शायद एक्सीडेंट तो नहीं है, लेकिन ये देखा, ये इस वजह से ये इतनी ट्रैफिक थी। फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं सुपरमार्केट और
थैंक गॉड अभी तक तो बारिश नहीं हुई, लेकिन थोड़ा रास्ते में ट्रैफिक ने परेशान कर दिया। मैं ज़रूर अगर अंदर अलाउड होगा तो मैं आपको बताती हूँ। ये है मम्मी और उम्मेहानी। उम्मेहानी हेलो फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी मैं आपको पूरी शॉपिंग नहीं दिखा पाई, और क्योंकि इतना ज़्यादा हैसल था वहाँ पर, उम्मेहानी थी साथ में, मम्मी थी, सामान था, फिर कुछ भी चेक करना, और ये उसमें कब मोबाइल पकड़ूँ, कहाँ कैमरा, कुछ समझ में ही नहीं आया, तो इसीलिए मैं पूरी शॉपिंग शूट नहीं कर पाई। फिर उम्मेहानी के कुछ आउटफिट्स थे, वो ट्राई उसको करवाना, ये सब चीज़ों में मैं कुछ नहीं कर पाई। तो काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी है, पर आज बहुत थक गए, बहुत थक गए आए, और उम्मेहानी भी बहुत थक गई थी, बहुत भूखी थी। फटाफट आकर उसको चेंज करके उसको भी नहला दी, मैं भी नहा ली, फ्रेश होके खाना वगैरह खा के अब हम लोग सोने आ गए हैं। अब उसके आज तो आने के बाद घर का कुछ काम भी नहीं हुआ, थैंक गॉड खाना बना हुआ था, तो बस वही खाना खा। तो फ्रेंड्स अब तो सो जाएंगे। आज कुछ भी अनपैक अनबॉक्सिंग कुछ नहीं किया है, जो भी सामान लाई हूँ सब वैसे ही रखा है। कल इंशाल्लाह व्लॉग में सब आपके सामने अनपैक करूँगी, सब आप लोगों के सामने अनबॉक्स करूँगी, जो जो लाई हूँ सब आप लोगों को दिखा के अनपैकिंग करूँगी। So till then, please wait for the blog and please like, share and subscribe to my channel. Till then, Allah Hafiz, Shabakir, take care. Allah Hafiz, good night.